हेलो दोस्तों, स्वागत करती हूँ एक बार फिर आपका हमारे चैनल बोल फटाफट में। तो दोस्तों, बिग बॉस के बारे में क्या ही बोलूं यार, मतलब नैया इनकी पार लग ही नहीं रही है उमर रियाज के बिना। है कलर्स वालों को क्या चाहिए, कलर्स वालों को मतलब चाहिए चाहिए उमर रियाज की। भैया एनी एंड हाउ अब तो हमारे कलर्स की जो नैया पार लगाएगा, हमारा अगर वूट का सब्सक्रिप्शन बढ़ेगा, हमारे अगर कलर्स चैनल की टीआरपी बढ़ेगी, तो उसके लिए तो भाई हमें उमर रियाज को बुलाना ही पड़ेगा। यही एक बंदा है जो हमारी नैया पार लगा सकता है। और बिग बॉस की अगर बात करें तो भैया बिग बॉस में तो हमारे पास कुछ रह नहीं गया दिखाने के लिए। तो मैं तो ये चाहती हूँ कि इसका नाम बिग बॉस से बदलकर जो है बेस्ट पराठा किचन रख दो आप। सही में बोल रही हूँ, या आपकी रसोई रख दो, क्योंकि हमें लाइव फीड में भी क्या देखने को मिलता है कि मटर कैसे छीली जाती है, प्याज कैसे छीली जाती है, या तीखी पूड़ी कैसे बनती है, या फिर पराठे कैसे बनते हैं। राजीव अदातिया इतनी पावर लेकर आए थे घर में, लेकिन आकर क्या कर रहे हैं, उन्होंने अपना चकला बेलन नहीं संभाल लिया है। इससे ज्यादा तो और वो कुछ करते हुए नजर आ नहीं रहे हैं। और टास्क के नाम पर तो सीरियसली अगर किसी बच्चों को ये टास्क दे देते ना, 8-8, 10-10 साल के बच्चों को ये टास्क दे देते, तो वो ये बॉल वाला टास्क जो इनसे ज्यादा अच्छे से कर लेते। चलो, लेकिन अभी हम मुद्दे पर आते हैं। उमर रियाज तो कलर्स को जो है एक बार फिर से उमर रियाज की याद आ रही है। वूट पर जो है ट्वीट आए जा रहे हैं भाई उमर रियाज के लिए। तो आपको बता दूं कि क्या था इस ट्वीट का सच। जी हाँ, कल जो मेकर्स ने एक वूट पर ट्वीट किया था कि क्या आप उमर रियाज की चाहते हैं वापसी, तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। तो भैया हम तो चाहते ही हैं, लेकिन आप भी चाहते हैं, क्योंकि भैया आपको अपने कलर्स चैनल की टीआरपी बढ़ानी है, आपको वूट का सब्सक्रिप्शन वापस दिलवाना है लोगों से। तो आपको बता दूं कि खतरों के खिलाड़ी सीजन 12 के लिए जो है उमर रियाज को अप्रोच किया गया है। अब देखते हैं कि उमर रियाज जो है ये प्रपोजल उनका एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते हैं। बट मुझे लगता है कि उमर रियाज जो है उनके इस प्रपोजल को एक्सेप्ट करेंगे। और खतरों के खिलाड़ी के जो हमारे होस्ट हैं, है ना, रोहित शेट्टी जी, उनको भी पता है कि भाई इस बंदे के अंदर दम है। आंधी आए, तूफान आए, बारिश आए, कुछ भी आए, ये बंदा जो है हर शिद्दत से हर टास्क करता है। उन्होंने देखा ही होगा बिग बॉस में, और कहीं ना कहीं कलर्स को भी अपनी गलती का एहसास हो ही रहा है, है ना। तो क्योंकि उमर रियाज के जाने के बाद तो टास्क क्या बोलू, मतलब यहाँ पर ना तो लोगों का दिमाग चल रहा है, ना तो वो फिजिकली मुझे फिट नजर आ रहे हैं टास्क खेलने के लिए, और ना ही मेंटली फिट नजर आ रहे हैं। तो एक बार फिर से जो है उमर रियाज हमें दिख सकते हैं खतरों के खिलाड़ी सीजन 12 में। जैसे जैसे अपडेट मेरे पास आते रहेंगे, आप लोगों को अपडेट करती रहूंगी। सो गाइस, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल बोल फटाफट, लाइक एंड शेयर द वीडियो।